वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव और सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब खरगोन का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इस हिंसा में बहुत लोगों के घर जलकर राख हो गए थे, वहीं बहुत से लोग घायल भी हो गए थे। वहीं खरगोन हिंसा पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। राजनेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज में दूरियां और बढ़ सकती है। वहीं इस मामले पर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने रामनवमी पर खरगोन में जुलूस के दौरान हुए हिंसा के विरोध में सकल हिंदू समाज से दंगाइयों के विरुद्ध एकजुट होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का आह्वान किया है। सांसद का 2 मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। खरगोन में हुई हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया जो अभी भी जारी है। हालांकि अब इस कर्फ्यू में थोड़ी राहत देकर 9 घंटे की ढील दी गई है। हिंसा के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर बुलडोजर की कार्रवाई भी की। बावजूद इसके खरगोन का सकल हिंदू समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प मन से लेना है। हमारी माँ बहनों का भाइयों की आंखों में आंसू छलकते देखा है। यह भारत माता का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं। यदि तुमने पत्थर बरसाए होंगे तो हम भी सनातन धर्म के लोग हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर हजारों राम भक्त पर आपने यहाँ पर फूल बरसने देवा पत्थर फेंका है। अब ये ध्यान रखना, बाबा का आशीर्वाद है और कसरावत के यहाँ पर नौजवान बैठे हैं। एक संकल्प पारित करना, हमारी माँ बहनों का दर्द सुनना, खरगोन के बहनों का, हमारे भाइयों का वो दर्द की आंखों को झलकते हुए देखना और ये गार्ड बांध लेना। ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।